नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने गार्डनिंग चैनल ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू पर। दोस्तों, आज आपको लिए चलते हैं आपके बचपन में। मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है और मॉनसून सीजन में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। प्रकृति की ग्रीनरी के साथ साथ बहुत से कलरफुल ये छोटे छोटे से माइट्स कीड़े जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ थार की बालू रेत में गुलाबी या चटक लाल रंग का एक छोटा सा जीव जो कि मानसून की पहली बारिश के साथ ही दिखाई देने लग जाता है। हालांकि ये जीव मैं बचपन में बहुत देखा करती थी, बहुत इसके साथ मस्ती करते थे। आजकल ये बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है और आज मुझे ये दिख रहा है तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सी जानकारी दूंगी और इसके साथ बहुत सी मस्ती करेंगे और बहुत सारी कलेक्ट करके फिर इनको एक जगह फ्री छोड़ देंगे। अलग अलग इलाकों में इसके भिन्न भिन्न नाम है दोस्तों। कुछ जगह इसे बूढ़ी नानी कहा जाता है तो कुछ जगह लाल गाय। अपनी मुलायमियत और चटक रंग के कारण थार के बच्चों में इसकी अलग ही पहचान है। बूढ़ी नानी, पहली बारिश के बाद ही ये छोटा सा जीव जमीन पर आ जाता है और इधर उधर घूमता हुआ मिल जाता है, जैसे कि ये कुछ ढूंढ रहा हो, कुछ खोज रहा हो। आमतौर पर यह आषाढ़ सावन में पहली बारिश में ही दिख पड़ता है। दिखने में यह जीव बेहद मुलायम दिखता है, जैसे कि कोई बूढ़ी नानी। बूढ़ी नानी मतलब मुलायम, कोमल, झुर्रियों वाली, आंखों को अच्छा लगने वाली, शायद इसी कारण इनका नाम बूढ़ी नानी पड़ गया। और हमारे थार के रेगिस्तान में इसे बूढ़ी माई, तीज, सावनरी डोकरी और मोमल के नाम से भी पुकारा जाता है और हिंदी में इसका नाम है इंद्रवधु और इंग्लिश में कई जगह इसे रानी कीड़ा यानी कि क्वीन माइट भी कहते हैं। आषाढ़ की पहली बारिश के साथ ही थार की नरम नरम बालू पर की मिट्टी के नीचे ये जीव अंडे देता है और 24 घंटे में बच्चे बाहर आ जाते हैं। सूरज निकलने के साथ ही ये जीव धरती पर इधर उधर दौड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा और सूरज छिपने के साथ ही ये वापस अपने डेरे में चला जाता है। इस जीव की कोमलता को व्यक्त करने के लिए फ्रेंड्स रेशम से भी कोमल शब्द ढूंढना पड़ेगा। इतना सुंदर, इतना आँखों को अच्छा लगने वाला, इतना नरम कि हथेली पर तो लगता है कि यह मेला ही हो जाएगा। बेहद शर्मिले स्वभाव वाला, बच्चों में बेहद प्रिय। आषाढ़ के पहले मेह के बाद धरती की ताप मिली खुशबू को अपनी सांसों में भरकर उछल कूद करते बच्चे इसे देख गाते हैं। तीज तीज थारो मामो आयो आठू पंजा खोल दे, यानी कि तीज तुम्हारा मामा घर पे आया है, आठू पंजा यानी इसके जो आठ पांव होते हैं वो खोलो और चल दो। और बचपन में हमने भी फ्रेंड्स ये गाना बहुत गुनगुनाया है, बहुत इसके साथ मस्ती की है। तो चलिए इसको कलेक्ट करते हैं और इसके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में इस बूढ़ी नानी को रेड वेलवेट माइट कहा जाता है जो कि ट्रोम्बोबिडिडेई परिवार का है। इस जीव की जानकारी रखने वाले इसे पूर्ण मकड़ी वंशी या लूता बताते हैं। आठ पेड़ वाला यह जीव निरंतर शिकार पर रहता है लेकिन इसे किसी पर हमला करते नहीं देखा गया। ये मानव प्रजाति को न खाते हैं और न ही डसते हैं, ये अपनी धुन में मस्त रहने वाला जीव है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जो चटक लाल रंग के होते हैं या कलरफुल जीव होते हैं वो थोड़े से पॉइजनस होते हैं, लेकिन इसको मैंने अभी आपको हाथ में लेके दिखाया, ये बाइट नहीं करता है, काटता नहीं है। और अभी मैं बहुत सारे कलेक्ट करके मेरी हथेली पर लेके आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारे, आंखों को सुकून देने वाले लगते हैं। यह तो अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला जीव है जो आमतौर पर जंगली या वनस्थली में जमीन की पहली परत के नीचे रहता है। हमारी इस बूढ़ी नानी को पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जीव मृदा संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोड समुदाय का एक हिस्सा है जो जंगलों या वनस्थली में सड़न प्रक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इकोसिस्टम के लिए भी ये बेहद जरूरी जीव है और ये जो पूरी प्रोसेसिंग है अपनी इकोलॉजी के लिए बहुत मायने रखती है। फंगस और बैक्टीरिया को खाने वाले कीटों को फीड करते हुए ये छोटा जीव सड़न प्रक्रिया यानी डीकम्पोजिशन को बहुत प्रोत्साहित करता है। मेरे हिसाब से इसके जो ये जीव है ये मकड़ी के छोटे छोटे अंडे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको ये खाता है और चींटियों को ये बहुत पसंद है, चींटियों को ये बहुत अच्छे से खाता है। इस प्यारे से जीव के ज़्यादा दुश्मन भी नहीं होते हैं, संभवतः मुझे लगता है इसके खराब स्वाद के कारण अन्य कीट जीव इसे खाना मारना भी पसंद नहीं करती। और एक अन्य कारण और भी है, इसका चटक चेतावनीपूर्ण कलर जो रेड कलर है, बिल्कुल वार्निंग देने वाला कलर है जो अन्य पन्य पर पक्षियों को दूर रखने के लिए आगाह करता है, यानी कोई इस पर अटैक करता ही नहीं इसका कलर देख के। तो दोस्तों, ये है हमारी बूढ़ी नानी के परिवार
वंश की कहानी, जो कि हमारे थार के रेगिस्तान में हमारे शेखावटी इलाके में बहुत देखने को मिलती है। और बारिश में तो ये रेड वेलवेट माइट बहुत प्यारा लगता है घूमते हुए। देखियो मैंने कितने सारे कलेक्ट कर लिए हैं और सभी इसको बहुत अच्छे से निहार रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हम इनको बिल्कुल फ्री कर देंगे, क्योंकि किसी भी जीव को सताना हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चे थोड़ा खेल लें, मस्ती कर लें और इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करें, क्योंकि ये रेयर हो चुका है। बचपन में हमने बहुत मस्ती की है, लेकिन आजकल के बच्चों को तो ये वीडियोस में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों है ना प्यारा सा, आँखों को सुकून देने वाला लुभावना सा ये रेड वेलवेट माइट, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका चमकीला लाल रंग बहुत आँखों को सुकून देता है। ये देखिए मैंने सारे रेड वेलवेट माइट मेरे हाथ में ले लिए हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत कलरफुल, इतने सुंदर ये आँखों को लुभावने होते हैं कि बस मन करता है इनको देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। तो देखिए कितने मस्ती से ये चारों तरफ घूम रहे हैं और बिल्कुल भी मानव मात्र को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आइए प्रण करें कि हम भी ऐसे छोटे छोटे प्रकृति की सुंदर सुंदर चीज़ों को सहेजें। देखिए ये इनकी कॉलोनी है, मैंने इनको यहाँ वापस से फ्री कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी इस तरीके के कीड़े देखें तो उनका संरक्षण करें, उनको मारे नहीं, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बहुत प्यारे से, बहुत क्यूट से जीव हैं। इनका रक्षा करना हमारा दायित्व है और इस मौसम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।